जब एक छोटे कलाकार का आप लोग का सपोर्ट मिलता है, आप लोग का प्यार मिलता है, इसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, हम बोलते हैं कि एक छोटा कलाकार कैसे मेहनत करके उस जगह पे पहुंचता है ना, इससे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। आप लोग सुनिए क्या जी, जी। प्यार आशीर्वाद बनाइए। छोटे कलाकार लोग भी मेहनत करते हैं, अच्छे चीज को आप लोग के बीच लाके देखिए, सपोर्ट करें नहीं हमने तब कहियो सब भाई के। देखिए सब भाई है छोटा, जहाँ जब जोर घड़ी जरूरी पड़ी सौरभ जरूर खड़ा रही। नमस्ते प्रणाम आप सबको, हम हैं आप सबके भाई सौरभ ऐश्वर्या, और जो भी हमको मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या भाई के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार है। और आज हम अपने स्टूडियो मोतिहारी में बैठे हुए हैं, तो भाई हमारे छोटे सागर संगम, आप लोग अब तक भाई का पहचान क्या देना होगा, इतना प्यार दुलार आप लोग दे ही रहे हैं। भाई का दू दू तीन तीन गाना ट्रेंडिंग में है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह अच्छा लगता है जब एक छोटे कलाकार का आप लोग का सपोर्ट मिलता है, आप लोग का प्यार मिलता है, इसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, हम बोलते हैं कि एक छोटा कलाकार कैसे मेहनत करके उस जगह पे पहुंचता है ना, इससे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। कहे कि अभी इस दौर से गुजर रहा है, कौन से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा, बहुत ऐसा करके आज मेहनत करके आज इसको आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए हम ऐसा नहीं, जो भी छोटे सिंगर आपको लगे कि अच्छा गा रहे हैं उसका गाना आप लोग सुनिए क्या जी, जी। प्यार आशीर्वाद बनाइए। छोटे कलाकार लोग भी मेहनत करते हैं, अच्छे चीज को आप लोग के बीच लाके देखते हैं, और वही छोटे कलाकार का लोग बड़का गाना उठा के देख ली गा दी तो वो हिट हो जाएगा। खैर छोड़िए, दूसरा बात हम लोग नहीं करेंगे, अभी आपस बात करेंगे। तो भाई आया है मेरा सागर, तो आज रिकॉर्डिंग हुआ है सागर का अभी गाना आ रहा है, और सागर आए हैं, बहुत अच्छा लगा भाई छोटे आए, घूमते फिरते आए भाई भाई के पास, और एक गाना भी रिकॉर्ड हुआ है। गाना कैसा है सुनाइए। मस्त गाना, ब्रांड है, मस्त है, और राइटर प्रदीप दीपक यादव जी। नमस्ते नमस्कार प्रणाम हम सबको, छोटे दीपक यादव। तो आज हमने आई बनी सागर संगम, और हम अपने बड़ भैया सौरभ ऐश्वर्या के चैनल स्टूडियो सॉरी स्टूडियो SS फिल्म में, और बहुत ब्रांड गाना रिकॉर्ड भइल बा, और बहुत जल्दी SS फिल्म से आई लोग दुलार प्यार और आशीर्वाद अपन बनैले रहम, और भैया बहुत सपोर्ट करे नी हमने सब कहियो सब भाई के। देखिए सब भाई है छोटा, जहाँ जब जोर घड़ी जरूरी पड़ी सौरभ जरूर खड़ा रही। और देखिए गाना कितना प्यारा रिकॉर्ड हुआ है, हमारे गाना कौन उठा के गाई, सुनो मुखरा सुना है गाना, सुन वैसा गाना में बताइए। गाना रहा है माल मिलेला खाली बंगाले, राइटर दीपक ये दीवाना जी हैं, और म्यूजिक पर प्रकाश बनाए हमारे डीजे प्रकाश जी। तो गाना बहुत जल्द आएगा, एक पर एक धमाका, अभी तो सावन का है, लेकिन हम लोग लगन भी बात बीच में भाई लहका दिया है, और तनी और गाना, और ये गाना की इतना सपोर्ट करी कि फिर से SS फिल्म्स पहल का रंग में आ जाए, और सही चैनल उठे बजे SS फिल्म्स मोतिहारी। हम चाहें कि तू अपने को गाना जब लास्ट बार जाते जाते जरूर गाना सुना दो, जे तोहर गाना बाजल जे तोहर पसंद होके, देखो तोहर गाना लोग बहुत कोई पसंद करत है, तोहर सबसे पसंदीदा गाना जोनो के उबे सुना। पसंदीदा गाना भैया ई है कि मोतिहारी में जब की चकिया में चली भैया, ये गाना तो बहुत बजा दिल को, वो गाना ऐसे था कि मोतिहारी में देबू की चकिया में चली, आ मधुवन के दाह तोरा ढूंढी में गहली, ते चल चाहे चुरमा खियाई तो अजीता राख के कल तोरा लहंगा में हाली, आ मोतिहारी में देबू की चकिया में चली, आ मधुबन के दाल तोरा ढूंढी में गाली। तो इस गाने पे आप लोग बहुत सारा रील भी बनाए थे, देखिए बहुत अच्छा लगता है, जीरो खुशी होता है, जीरो देखिए वो चीज लोगों का प्यार होता है, कहाँ कब किसको आशीर्वाद किसका मिलेगा नहीं जानते, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे वीडियो को जहां से देख रहे हैं, आप लोग हर एक छोटे कलाकार का सपोर्ट कीजिए, हर एक छोटे कलाकार का गाना को सुनिए, पसंद आना नहीं आना वो अलग चीज है, लेकिन एक बार जरूर सुनिए। पता है क्या है
क्या कि एक राइटर जब कलम और कॉपी उठाता है ना तो उसको बहुत देर सोचना पड़ता है कि क्या हम ऐसा लिखे कि आप लोग को अच्छा लगे। तो अगर उसका गाना आपको अच्छा भी नहीं लगे लेकिन उसकी मेहनत को देख के एक बार गाना को पूरा जरूर सुनिए, क्या लिखा है उसको कमेंट जरूर कीजिए। बाकी जो भी जहां से देख रहे हैं मेरे पेज के माध्यम से देख रहे हैं उन श्रोता से भी और जो भाई के पेज से देख रहे हैं दीपक यादव भाई के पेज से देख रहे हो, जो भी श्रोता देख रहे हैं सबसे मेरा विनती है कि जितना लोग भाई हमको प्यार दुलार करते हैं उतना भाई को करते हैं, आप इनके पेज पे भी अपना प्यार आशीर्वाद बनाइए और ऐसे तो भाई का वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेगा। जी, अब और एक बात बताऊंगा, जितने भी हमारे भाई छोटे बड़े हैं सिंगर वो सोचते हैं कि सौरभ भैया कैसा मतलब दूसरे तरह के आदमी है, वैसे आदमी नहीं जैसे आप लोग सोचते हैं भैया, बिल्कुल नहीं। आप लोग आइए एक बार आइए SS फिल्म मोतिहारी में और भैया का देखो सागर, हम एक को बात जानो नहीं कि हम जेकरा ला बुरा बानी बानी जे हमरा ला अच्छा बा हम का बानी वो बहुत अच्छा तरीके से जाना था। अब भाई गलत करे वाला के सागर हम नहीं की बर्दाश्त कर सकते, कहे के मतलब है देखा आज हम बोला नहीं उन लोग के मान तू अला सी बात छेड़वा त मेरे को छोट पोट भी बच। देखा आज के जमाना ऐसा हो गल बानी सागर जी, तोरा घर में हमारा घर में इंदिरा घर में छोट छोट बच्चा सब मोबाइल देखा जी। जी सही बोले, गलत की सही सही, अगर आप उसमें गलत चीज देखिएगा तो पहले के जमाना का लोग उतना नहीं बिगड़ायल होता था जितना आज के जमाने में बिगड़ायल हो रहा है। आपको आप मतलब आप हमारे पापा दादा बताया करते थे, आप भी जाके पूछिएगा कि पहले के जमाने में 16 17 18 साल के लवंडा सिगरेट और गुटखा ना खाता था, खाता था आजकल। आज के जमाने में तो 5 साल के लवंडा मुंह में सिगरेट रखा था। तो बस ये सब चीज बा, जेकरा ला बुरा बानी बानी रहे तो जेकरा ला अच्छा बानी बहुत बानी। बाकी चलता नहीं अपने लोग आशीर्वाद दी भाई के पेज के, सब्सक्राइब करिए, गाना होता सुनिए आग लगा। नमस्कार।